सरकार द्वारा भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दिए गए निर्देश का पालन करते हुए सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना के निर्देशन पर एसडीएम सिंगरौली ऋषि पवार और एसडीओपी मोरवा राजीव पाठक एवं तहसीलदार सिंगरौली नगर जितेंद्र वर्मा द्वारा गठित दल की सहायता से मोरवा क्षेत्र के ग्राम पंचेरा वार्ड क्रमांक 4 की शासकीय भूमि खसरा नंबर 168 एवं 169 में व्यवसायिक गतिविधियां फैक्ट्री चाउमीन फैक्ट्री किराए से मकान और कारोबार के लिए अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को और कारखानों को ध्वस्त किया गया। न्यायालय तहसीलदार तहसील सिंगरौली नगर द्वारा पंजीबद्ध प्रकरणों में विधि अनुरूप सुनवाई उपरांत बेदखली आदेश पारित कर बेदखली सूचना अतिक्रमांक सुरेंद्र सिन्हा पिता भगवान सिंह एवं विनोद जायसवाल पिता प्रेम चंद्र जायसवाल को दी गई, किंतु नियत अवधि तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। प्रशासन द्वारा पुलिस बल की सहायता से उक्त अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन की 1,08,00,000 कीमत की 53 डिसमील भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया एवं भू माफियाओं के खिलाफ विधि अनुसार कार्यवाही भी प्रस्तावित की गई है। देखिए, अतिक्रमण बहुत पहले से चला है, इनको वार्निंग भी दी गई थी और इन्होंने हटाया नहीं। फिर इन्हें विधिवत कार्रवाई करते हुए 248 का इनको नोटिस दी गई, आदेश पारित किया गया और दंड रिपोर्ट किया गया। आज की डेट नोटिस दे के मुकर्रर की गई थी कि आज आप स्वेच्छा से सामान हटा देंगे, अभी तक नहीं हटाया गया था, जिससे आज बलपूर्वक नगर निगम द्वारा शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सर, मोरवा वार्ड क्रमांक 4 में आपके द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में इस टाइप की कार्रवाई चल रही है। इसके तहत ही कुछ जगह का चिन्हांकन करके उस पर कार्रवाई की गई। इसमें संबंधित तहसीलदार द्वारा नियमानुसार केस पंजीकृत किया गया, सुनवाई का अवसर देकर इनको पर्याप्त मौका दिया गया, उसके बाद आदेश पारित किया गया और उसके उपरांत आज हम लोग मेरे साथ एसडीओपी मोरवा और तहसीलदार और पुलिस टीम नगर निगम की टीम है, जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। सर, मोरवा वार्ड क्रमांक 4 में अगर बात करें तो कितने घर अभी ऐसे हैं जिनका अवैध अतिक्रमण हटाया गया? अभी इसके बाद एक और घर है जो साइड में है, उस फिलहाल मतलब क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे और जैसे भी जैसे सूचना मिल जाएगी और इस पर पंजीकृत करके इस टाइप की कार्रवाई की जाएगी। सर, आज मोरवा वार्ड क्रमांक 4 में अवैध अतिक्रमण आपके द्वारा हटाया जा रहा है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जी के 8 बिंदुओं में जो प्रमुख बिंदु है कि अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, इसी तारतम्य में तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय के द्वारा बेदखली आदेश पारित कर दिया गया था और उसमें 17-18 दिन हो जाने के बाद, काफ़ी समय दिए जाने के बाद ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इसमें हम लगातार सूचना दे रहे थे और नोटिस वगैरह भी जारी किया गया था तहसीलदार महोदय के द्वारा और लंबे समय से इनका अतिक्रमण काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ता जा रहा था, जिस पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई की गई। वॉइस ऑफ फ्राइड्स के लिए सिंगरौली से आधा तिवारी की रिपोर्ट।